अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद असद। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है। सही, आज एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता चल जाएगा कि क्या है, तो हम उसके बाद पढ़ेंगे मेथड्स, यानी कि इसको सॉल्व करने के तीन मेथड्स हैं, बाय फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, यानी कि अगर इक्वेशन की पावर 4 है, 5 है, यानी वो क्वाड्रेटिक में नहीं है, तो हम उसे कैसे रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले मैं आपको दो चीज़ों में डिफरेंस बताना चाहूँगा, एक्सप्रेशन क्या है और इक्वेशन क्या है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले आपको इन चीज़ों के बारे में क्लियर होना चाहिए। एक्सप्रेशन देखिए, 5x² + 5 2x + 2y 5x² + 5 2x + 2y 5x + 7y, देखिए ये एक्सप्रेशन है, सही है। और इक्वेशन में हमेशा दो साइड्स होती हैं, सही है। जैसे कि 2x² - 7x + 9 = 0, इक्वेशन में हम या तो 0 के इक्वल लेते हैं या किसी भी नंबर के इक्वल लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन है 2x² - 7x + 9 = 0, और 3x³ - 5x² + 5x + 9 = 9, थर्ड 7x² - 5x + 8 = 0। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन में हमेशा दो साइड्स होती है, और हम या तो इक्वेशन को 0 के इक्वेट करते हैं या किसी नंबर के 9, 5, 7, 6 किसी भी नंबर के हम इक्वेट करते हैं, और एक्सप्रेशन में हम इक्वेट नहीं करते, सही है। एक्सप्रेशन में हमेशा एक ही साइड होती है। अब बारी आ जाती है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² + bx + c, सही है। अगर हम ax² + bx + c को इक्वेट करवा दें 0 के साथ, किसके साथ, 0 के साथ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बन जाएगी। क्योंकि इक्वेशन के लिए हमेशा दो साइड सही होते हैं, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये, सही है। ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, जिसमें ए बी सी ये रियल नंबर्स हैं, सही है। ए बी सी रियल नंबर्स हैं, और ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता, वजह मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, उसकी वजह ये है कि अगर ए 0 के इक्वल आ जाएगा, तो ये ए किसका कोफिशिएंट है, x² का, सही है। अगर ये 0 के इक्वल आ जाएगा तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और जब ये 0 हो जाएगी तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि देखिए पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 नहीं होगा, सही है। ए कोफिशिएंट है x² का, और बी कोफिशिएंट है x का, और सी है कांस्टेंट, सही है। तो स्टूडेंट्स, आई रिपीट अगेन कि ए 0 इसलिए नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, बल्कि वो लीनियर बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक इधर इक्वेशन राइट करते हैं, सपोज 2x² + 5x + 9 = 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। देखिए 1, 2, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, सही है। जहन में रहे कि वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें देखिए अब आप इसको किस हिसाब से लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। x² का कोफिशिएंट क्या था, a, और इधर a क्या है, 2, तो हम लिखेंगे a = 2। x का कोफिशिएंट क्या है, b होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के तहत, b, तो हम इधर क्या लिखेंगे, b = 5, एंड c = constant 9। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसके तहत, इस जनरल फॉर्म के तहत हम हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो ये था आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड सारी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स
के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।